आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल एंड इजी बट वेरी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, राइस छीला की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही इजी है। जो लोग नए नए खाना बनाना ओ सीखे है हैं बहुत इजीली ये बना सकते हैं। ये और ये इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स भी रहता है तो बहुत हेल्दी भी होता है। तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएगा कि आप लोगों को ये इजी सिंपल एंड हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी और मेरे चैनल सुमीज किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये सारे रेसिपीज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके पास ही आप लोगों को एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी आप लोग दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं यूट्यूब पर कोई भी नया रेसिपीज़ का वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो ये देखिए दोस्तों, ये राइस छीला बनाने के लिए मैंने बासमती राइस को 3 to 4 आवर्स के लिए भिगो लिया है। अभी इसकी एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है, अभी इसमें ये भिगोया हुआ राइस ले लेंगे और इसकी एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, राइस की मैंने एकदम स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये राइस की घोल थोड़ी सी ठीक है, तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अभी इस राइस की घोल में मैं और कुछ चीजें ऐड करूंगी, जैसे इसमें पहले मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करूंगी, जैसे चॉप्ड किया हुआ कैरेट या गाजर, चॉप्ड किया हुआ ओनियन या प्याज, और कैप्सिकम और ग्रीन चिली चॉप्ड किया हुआ। अभी इन सारे चीजों को इसमें राइस में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास ये वेजिटेबल्स अवेलेबल थे तो मैंने यही यूज़ कर लिया। आप लोगों के पास और कोई वेजिटेबल्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि बीन्स, कॉलीफ्लावर, टमाटर। तो ये देखिए दोस्तों, राइस छिला की मिक्सचर हमारी रेडी हो चुकी है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अभी इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, राइस छिला को बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। तो अभी इसमें हमने जो राइस छिला के लिए राइस की घोल बनाई थी, राइस और सब्जी की, वो डाल देंगे। अभी पैन के ऊपर हम लोग ढक्कन लगा देंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स और राइस अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से राइस छिला हमारी कुक हो चुकी है, तो हम लोग अभी इसको दूसरे तरफ से पलट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, राइस छिला हमारी दोनों तरफ से ही अच्छे से कुक हो गया है। तो अभी इसको उठा लेंगे और एक एक करके ऐसे ही सारे राइस छिला हम लोग बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, राइस छिला को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट ले लिया है और थोड़ा सा टमेटो केचप भी ले लिया है। तो चलिए अभी राइस छिला को हम लोग सर्व कर लेते हैं। ये दोस्तों, मैंने राइस छिला को सर्व कर लिया है। ये देखिए, ये दिखने में कितना यम्मी लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही यम्मी है। तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएगा
कि आप लोगों को ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाइए, इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स है तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। या फिर आप लोग डिनर में भी ये बना सकते हो, ये किसी भी टाइम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही और एक टेस्टी रेसिपी के साथ।